Welcome to Housework Hangover channel. Today's kitchen cleaning video, and I hope you like this video. Please click on subscribe and like button and motivate me to make more videos like this. And click on that notification bell to be informed about my future videos. I hope you like this video. दोस्तों, इस किचन क्लीनिंग रूटीन के वीडियो में आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी. वो है एक सुंदर किचन, दूसरा है जर्म्स एंड बैक्टीरिया फ्री किचन कैसे रखें, और तीसरा, जैसे मैंने अपने किचन टूर में प्रॉमिस किया था, DIY क्लीनर कैसे बनाएं. तो ये चीज़ें पूरे शेयर करूँगी, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा. तो मैं ये स्टेप वाइज दिखाऊँगी कि आपको आसानी रहे ये पूरा वीडियो देखने में. तो पहला स्टेप है डीक्लटर. जो भी मेस आपने देखा है उसको हम पूरा डीक्लटर करेंगे. ये मेरा पहला स्टेप है. तो जिसकी जगह पर उसको रखो, आप एक रबिश बैग ले लीजिए, जो भी कचरा है उसमें डालते जाइए. एंड जो भी फ्रिज में रखना है उसको फ्रिज में रखिए, जो भी सिंक में डालना है उसको सिंक में डालिए. दूसरा स्टेप जो मैं फॉलो करती हूँ वो है लोड एंड अनलोड डिशेस. जो भी डिशेस मुझे डिशवॉशर में डालने हैं वो छोटे छोटे बर्तन में डिशवॉशर में डाल देती हूँ और डिशवॉशर ऑन कर देती हूँ ताकि वो चलते रहे, क्योंकि डिशवॉशर में ज़्यादा टाइम लगता है. एंड उसके बाद जो भी धुले हुए बर्तन हैं मेरे टब में हैं वो मैं पूरे ले लेती हूँ और अपनी जगह पर रख देती हूँ. उसके बाद टब भी धो के उसको सुखा देती हूँ. तो आज है वीकेंड मॉर्निंग, हम लोग जो है फ्राइडे यूजुअली मूवी नाइट्स होते हैं, तो मैं किचन क्लीनिंग या कोई भी रूटीन फ्राइडे को जो है थोड़ा इजी ले लेती हूँ. तो वीकेंड मॉर्निंग जो है मैं थोड़ा काम भी ज़्यादा हो फिर भी मैं कर लेती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है. एंड जो मैं किचन क्लीनिंग है हमेशा ऊपर से स्टार्ट करती हूँ, जैसे पहले काउंटर टॉप्स हो जाए, उसके बाद बीच वाले कैबिनेट्स, उसके बाद नीचे का फ्लोर. तो मैं DIY क्लीनर जैसे मैंने आपको किचन टूर में प्रॉमिस किया था वो दिखाती हूँ. तो कोई भी आप स्प्रे बॉटल ले लीजिए, उसमें 3/4 जो है वाइट विनेगर लेके थोड़ा सा डिशवॉशर मिला लीजिए और उसको शेक कर दीजिए. मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो वाइट विनेगर 3/4 हो गया. एंड बड़ा चम्मच कोई भी डिशवॉशर, लिक्विड डिशवॉशर यूज़ कीजिए. तो मेरा ऑलरेडी यूज्ड बॉटल है वो लेके आ रही हूँ मैं. तो मॉर्निंग फ्रेश है ये, और ये लेमन वाला है तो ये अच्छा है इसके लिए. एंड जो विनेगर है वो नेचुरल डिसइनफेक्टेंट है और काउंटर टॉप्स और स्टव के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर कुकिंग वेजिटेबल कटिंग वहाँ पे करते हैं. तो मुझे ज़्यादा केमिकल फ्री वाला DIY क्लीनर चाहिए था तो मैंने खुद ही बना लिया. एंड जो ये मल्टीपर्पज़ क्लीनर है, दो मेरे पास है, स्टेनलेस स्टील, पेंट के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए ये सूटेबल है, ये भी लिया है मैंने. पर मैं काउंटर टॉप्स के लिए यूज़ नहीं करती हूँ. काउंटर टॉप्स जो है मुझे ज़्यादातर नेचुरल क्लीनर से ही साफ़ करने हैं, तो मैंने DIY क्लीनर बनाया जिसमें बहुत सारा विनेगर है और थोड़ा सा मैंने डिशवॉशर मिलाया है उसमें, ताकि जो भी हम लोगों का कुकिंग में ऑयल वगैरह गिरता है वो भी साफ़ हो जाए. इससे जो भी ऑयल कैंस हैं बगल में उसको पेपर टॉवल लेके मैं साफ़ कर रही हूँ, और पुराना पेपर टॉवल जो है मैं फेंक के दूसरा वाला, नया वाला लगाऊँगी. तो राइस कुकर भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेली हम लोग चावल बनाते हैं और इसमें कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो इसको भी हल्का सा वाइप दे देती हूँ मैं. और माइक्रोवेव मैंने डीप क्लीनिंग किया है तो उसको अभी मैं टच नहीं करूँगी.
तो मेरा काउंटर टॉप क्लीन हो गया है, अभी बारी है स्टव के नीचे वाले कैबिनेट्स एंड जो भी अप्लायंसेस हैं उनकी। तो मैं मल्टीपर्पज़ क्लीनर लूँगी और पहले स्टार्ट करूँगी अवन से, उसके बाद धीरे धीरे वुडन कैबिनेट्स, डिश वॉशर एंड फ्रिज भी मल्टीपर्पज़ क्लीनर से साफ़ करूँगी, क्योंकि कॉस्टली अप्लायंसेस हैं एंड स्टील के हैं, तो हम लोग वेनेगर पे वेनेगर कितना लेना चाहिए ये पता नहीं है। तो मल्टीपर्पज़ क्लीनर यूज़ कीजिए जहाँ पे हमें पता है कि ये सूटेबल है, एंड रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर आप फिर भी देखना चाहते हो कि वेनेगर कैसे काम करेगा, तो आप थोड़ा सा लेके स्प्रे कीजिए और टेस्ट कीजिए कि कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद ही यूज़ कीजिए। तो जो मैं क्लीनिंग क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ वो डिस्पोजेबल क्लॉथ है, क्लीनिंग करने के बाद मैं उसको फेंक देती हूँ। अगर सिर्फ स्टव क्लीनिंग कर रही हूँ तो मैं उसको धो के रख देती हूँ, और ये क्विक ड्राइंग है, बहुत ही क्विक है एंड प्योरली कॉटन है, तो सब चीज़ों के लिए परफेक्ट है। डिसइंफेक्टिंग वाइप्स जो है मैं किचन में फ्रिज के लिए यूज़ करती हूँ और फ्लोर के लिए यूज़ करती हूँ। आप तीन चीज़ें आप देखिएगा आपके किचन में जो हैं फुली जर्म्स एंड फुली बैक्टीरिया होते हैं। पहला है फ्रिज का हैंडल, जो हम लोग हैंडल पकड़ के डोर खोलते हैं वो वाला, एंड सिंक, एंड उसके बाद रबिश बिन। ये तीनों जो हैं आपको डिसइनफेक्ट करना ही करना होता है, क्योंकि बहुत सारे जर्म्स यहाँ पे आते हैं, बच्चे भी इनको हैंडल करते हैं जैसे कि फ्रिज डोर्स वगैरह, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जर्म्स यहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो आप डिसइनफेक्ट कीजिए, वाइप्स जो हैं यूज़ करके फेंकने वाले हैं, तो बहुत ही आसानी होती है इनको यूज़ करने में। तो अगला स्टेप है जो भी डिशेस हमने सिंक पे रखे थे उन सबको हैंड वॉश करने की। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ डिश ड्राइंग रैक, जिसमें बहुत सारा पानी जमा होता है और मार्क्स पड़ जाते हैं, और ब्लैक होने के कारण ये वाटर मार्क्स दिखते हैं, तो मुझे डेली साफ़ करना पड़ता है इसको। और इसको साफ़ करने के बाद इसको मैं ड्राइंग थोड़ा सूखता रहेगा तो मैं दूसरे बर्तन धो लूँगी। तो यहाँ पे और एक टिप आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो भी लिक्विड डिशवॉशर आप यूज़ कर रहे हो उसको बस एक छोटा सा चम्मच लीजिए और बहुत सारा पानी लेके डाइल्यूट कीजिए, क्योंकि जितना आप डायरेक्टली डिशवॉशर लेके आप अगर यूज़ करोगे तो वो हमारे बर्तनों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग उस पर खाना स्टोर करते हैं, खाते हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जितना हो सके उतना डाइल्यूट कीजिए। अब बारी आती है सिंक क्लीन करने की, क्योंकि बर्तन साफ़ हो चुके हैं तो सिंक में जो है उसको भी डिसइनफेक्ट करना ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये मैंने एक ब्रश लिया है, छोटा सा ब्रश, जिसमें यहाँ पे बर्तन साफ़ करते हैं पर मैं सिंक साफ़ करती हूँ इससे। तो मल्टीपर्पज़ क्लीनर को पहले स्प्रे कर दूँगी, उसके बाद क्लीन करने के बाद थोड़ा सा डिश वॉशर, क्योंकि वो स्टील पे चमक ला के लेके आता है तो उसको भी यूज़ करना पसंद है मुझे, तो उसको भी लेके थोड़ा फिर से साफ़ कर देंगे। तो ये दो स्टेप प्रोसीजर है। तो सिंक क्लीनिंग के लिए जो क्लीनर से मैं बदलती रहती हूँ, जैसे एक बार जो है लेमन ले लिया तो नींबू लेके पूरा आप अगर उससे साफ़ करोगे तो बहुत अच्छी चमक आती है। दूसरी बार मैंने वेनेगर ले लिया, कभी कभी मल्टीपर्पज़ क्लीनर भी ले लेती हूँ जैसे मैंने आज दिखाया है। तो उसके बाद जो है पूरा जो काउंटर पे रखना है मुझे, वो मैं बैक टू काउंटर रख देती हूँ, और दूसरी तरफ का जो काउंटर जहाँ पे मैंने सामान रखा था वो भी साफ़ कर लूँगी। तो लास्ट स्टेप है फोक क्लीनिंग, क्योंकि पूरे काउंटर टॉप्स ऊपर का पूरा क्लीन हो चुका है, बस अभी नीचे की बारी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रबिश बिन से। पुराना बैग बदल के नया बैग रखने से पहले उसको डिसइनफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो सेम डिसइनफेक्टिंग वाइप्स लेके पूरा वाइप करती हूँ। उसके बाद जो है रबिश बिन में हमेशा मैं एक नीचे पेपर टॉवल रखती हूँ, आप चाहिए तो नैप्थलीन बॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेश स्मेल करेगा और जो भी मॉइस्चर जमा होता है उसको निकाल देगा। तो जब आप बैग बदलते हो वो पेपर टॉवल भी बदल सकते हो। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, मैं एक्चुअली वैक्यूम क्लीन करती हूँ पर बहुत आवाज़ करता है, तो ये मैं डस्ट पैन लेके पूरा जो डस्ट है यहाँ पे लेके फेंक दूँगी। तो DIY क्लीनर से जो है मैं फ्लोर डिसइनफेक्ट करती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया वेनेगर जो है नेचुरल डिसइनफेक्टेंट है,
तो उसको मैं स्प्रे करके कॉर्नर्स में पूरा डिसइनफेक्ट कर दूंगी, एंड उसके बाद जो है डिसइनफेक्टिंग वाइप से भी मैं डिसइनफेक्ट करूंगी। तो ये जो है जितना हो सके उतना डिसइनफेक्ट किचन को करना बहुत ज़रूरी है। एंड लिक्विड डिश वॉशर मैंने ऐड किया था DIY क्लीनर में, तो थोड़ा सा स्लिपी हो सकता है, तो इसके ऊपर से मैं अगर वाइप्स लेके पोंछ देती हूँ तो पूरा क्लीन हो जाएगा और कुछ स्लिपरी नहीं रहेगा। एंड ये रहा मेरा क्लीन किचन। तो किचन एकदम क्लीन एंड ड्राई है एंड जर्म्स एंड बैक्टीरिया फ्री है, क्योंकि बहुत सारा मैंने डिसइनफेक्टेंट्स यूज़ करके इसको डिसइनफेक्ट कर दिया है, पूरी अप्लाइंसेस को भी एंड फ्लोर को भी। तो आप अगर एक क्लीनिंग रूटीन फॉलो करना चाहते हैं तो क्लीनिंग में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस कहीं से भी शुरू करो, धीरे धीरे आप एक अपने लिए एक क्लीनिंग रूटीन बना लोगे। जैसे मैंने बनाया है अपने लिए, मुझे मालूम है कि मुझे स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, बस आपको ये इजी रहे फॉलो करने में इसलिए मैंने स्टेप्स दिखाए हैं। पर मैं एकदम शुरू कर देती हूँ तो मुझे बस एक 30 मिनट चाहिए पूरा किचन साफ़ करने के लिए। तो अगर आपको कोई लेज़ी डे है, कोई दिन आपको किचन क्लीनिंग करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप एक मोटिवेशनल वीडियो जैसे ये वीडियो देख लीजिए, आपको मोटिवेट करेगा। या आप अपना फेवरेट म्यूज़िक रखिए, आपको टाइम भी पता नहीं चलेगा और एफर्ट भी पता नहीं चलेगा। वॉचिंग गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन दैट लाइक बटन एंड प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो। बाय।